नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, इस तरह से कट किया है, 15 इंच की लंबाई ली है, जितनी रखना है आपको एक इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। शोल्डर लिया है 5.5 इंच, आर्महोल लिया है 6 इंच, 2.5 इंच पर ये गले की चौड़ाई का निशान करेंगे और लंबाई का निशान करेंगे 10.5 इंच पर। राउंड गले का देखिए डिजाइन है, राउंड शेप दे देना है और नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 0.5 इंच चौड़ाई और बढ़ा लेंगे। इस तरह से हमें राउंड गले का निशान करना है। तो हमने इस तरह से कर दिया, अब इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से कट कर लिया, आप कपड़े पर रखकर इसको कट करेंगे। तो इस तरह हमें कपड़े पर रखकर इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह और कपड़े पर इस तरह से गले की कटिंग कर ली है। अब हमें गले पर सिलाई लगानी है। तो बराबर से देखिए इसको बनाते हुए पहले गले पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह देखिए गले पर हमें सिलाई लगा लेनी है। गले पर सिलाई लगा ली है, अब देखिए नीचे की तरफ सिलाई लगा देंगे। उसके बाद गले पर कट लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से कट लगा देना है। उसके बाद इसको पलटना है, पलट कर सीधा करना है। तो ये हमने कट लगा दिया, अब देखिए इस तरह से पलट कर सीधा कर लेंगे। अच्छे से इसको पलट लेंगे, उसके बाद गले के ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह सिलाई गले पर लगा देनी है, बिल्कुल किनारे वाली साइड से, इस तरह से गले वाली साइड से इस तरह सिलाई लगा देंगे। पूरे गले पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद साइड से भी सिलाई इस तरह और कपड़े पर लगा देना है। तो हमने गले पर सिलाई लगा ली है, देखिए साइड से सिलाइयाँ दोनों को पकड़ते हुए इस तरह डाल देनी है। तो यह ऑर्गेंजा साड़ी का ये ब्लाउज डिजाइन है। तो इस तरह देखिए सिलाई पूरे पर लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है। तो इस तरह से इसको कट कर लेंगे। ये हमारा गला इस तरह तैयार हुआ। गले पर हमें पाइपिंग बनानी है। तो ये देखिए रेड कलर की पाइपिंग पट्टी लेंगे, अब इस पर डिजाइन बनाएंगे। तो पहले इस पर पाइपिंग बनाएंगे। तो ये देखिए पाइपिंग पट्टी ली है, एक तरफ से मोड़ कर इस पर सिलाई लगा देंगे। अब हमें गले पर पाइपिंग बना लेनी है, जैसे सिंपल गले पर पाइपिंग बनाते हैं। तो ये पाइपिंग पट्टी लगाई, अब इस तरह से पाइपिंग निकालते हुए पूरे पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने पाइपिंग गले पर बना ली है। तो इस तरह गला तैयार कर लेना है। अब बराबर से मोड़ते हुए ये देखिए यहाँ पर ये सेंटर का निशान कर लिया है। अब ये डिजाइंस के लिए इस तरह से कपड़ा लेना है। ये 3 इंच का चौकोर लिया है और वो वाला 2.5 इंच का, दोनों को इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई सभी पर लगा लेंगे। तो पहले ये सिलाइयाँ इस तरह से लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली, अब इस तरह इसको रखना है। जो हमने 2.5 इंच की ली थी उसे अंदर रखेंगे ये वाली, और जो थोड़ी बड़ी ली थी उसको ऊपर रखना है। और इस तरह से रखते हुए फोल्ड करते जाना है, फोल्ड करके सिलाई लगाते जाना है। अब इसी तरह से डिजाइने हम सारे गले, पूरे गले पर ये रहेगी। तो पूरे गले के लिए इसी तरह से डिजाइने तैयार कर लेंगे। अब देखिए इसको गले पर लगाना है। अब यहाँ से ये इस तरह से रखते हुए लगाएंगे। ऊपर 0.5 इंच छोड़ दिया है और गले वाली साइड से 2 पॉइंट छोड़ दिया है। पाइपिंग में सटा कर नहीं रखना है, थोड़ा सा गैप देते हुए रखेंगे।
दो पॉइंट का गैप देते हुए इस तरह से एक बराबर से रखते हुए अब इसको लगाना है। बिल्कुल बराबर से रखते हुए देखिए यहाँ तक लगाएंगे जो ये सेंटर लाइनिंग की है। अब इस वाली साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। अब इस वाली साइड से इस तरह से लगाएंगे, जैसे इस साइड लगाया ठीक उसी तरीके से हमें इस साइड से लगाना है। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमने लगा लिया। अब यहाँ पर लेस लगेगा तो ये गोल्डन लेस लेंगे और इस तरह इसको लगा देंगे। पूरे पर हमें पूरे गले पर अब लेस को लगा देना है। तो ये देखिए पूरे गले पर लेस को इस तरह से लगा दिया। लेस को लगाने के बाद अब इन डिजाइनों को देखिए इस तरह से बनाना है। अब इसको इस तरह से पलटना है और इस तरह पलटने के बाद यहाँ पर पकड़ कर सिलाई लगाएंगे और एक मोती लगा देंगे। अच्छे से सभी को पलट पलट कर इस तरह से सिलाइयाँ इस पर लगानी है। एक मोती साथ में लगाएंगे और अच्छे से यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसी तरह हमें सभी डिजाइनों को बनाना है, ऐसे पलटना है और सिलाई पकड़ा कर लगाते हुए एक एक मोती लगाते जाएंगे। पूरी डिजाइन अब इसी तरह से देखिए बनाकर तैयार कर लेंगे ये वाली। उसके बाद जो आगे की डिजाइन है उसे बनाएंगे। तो पहले इसको इस तरह से बनाते जाना है। ये देखिए हमने ये डिजाइन इस तरह बना ली है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर एक फ्लावर बनाकर लगाना है बीच में जो। तो इस तरह से कपड़ा लिया है, 3 इंच का चौकोर लिया है और ये डिजाइनें बनाएंगे यहाँ पर फ्लावर बनाने के लिए। तो इस तरह की डिजाइनें बना लेंगे 3.5 इंच के चौकोर कपड़े पर इसको बनाएंगे। थोड़ी सी बड़ी बड़ी लेंगे। अब इसको धागे से बांध कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है। इसी तरह से हमें 5 या 6 डिजाइनें ले लेनी है जितनी इस पर लगेंगी। अब इस तरह इसी धागे में सभी को डाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने 6 डिजाइनें ली है और इस तरह से इसको एक ही धागे में डाल लिया। अब यहाँ पर धागे को टाइट से खींचेंगे और फिर लास्ट वाली डिजाइनों को पकड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से बना लेना है ये फ्लावर और यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर ये लगेगा, ऊपर एक बटन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लगाएंगे और देखिए किस तरह से यहाँ पर बटन लगा देंगे। ये हमने कपड़े की ही बटन पोटली बना ली है और इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देंगे। बराबर से मिलाकर लगाना है। अब इसको लगाएंगे और इसके चारों तरफ से फिर मोती लगा देंगे। पहले इस पर अच्छे से सिलाइयाँ लगा कर इसे लगा देना है। तब देखिए इस पर इस तरह से मोतियाँ लगा देंगे। तो ये मोती लगाने के बाद इस पर 2 लटकनी लगा देंगे तो ये डिजाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे लगा दिया है, अब इस पर 2 लटकन लगाएंगे। अभी हमने रेड कलर की लटकन ले ली है, इसमें मोती डाल ली है। 4 मोतियाँ इसमें इस तरह डाली है, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे लटकन, साइज के ही रखेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से ले जाकर इसको लगा देना है। उसके बाद इसी तरह से हमें दूसरी लटकन लेना है, उसको भी लगा देना है। तो ये देखिए हमने दोनों लटकन लगा दी है, डिजाइन हमारा बन गया है। अब लास्ट इसका वो बॉर्डर ये लेस लगाएंगे, ये रेड कलर का यहाँ पर हमने लेस लिया है और इस तरह से इसको लगा देंगे। तो हमने इसे लगा दिया, अब दोनों प्लेट्स बना देंगे। डिजाइन हमारा कंप्लीट हुआ, लास्ट में इसका प्लेट्स बना देना है। तो इस तरह आप राउंड गले पर डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो डिजाइन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।